लखनऊ के लुलु मॉल का शुद्धिकरण करने पहुंचे जगतगुरु परमहंस, पुलिस के रोकने पर विवाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के मामले पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं एक बार फिर बड़ा बवाल सामने आया है, जहां पर हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर बाल्टी में जल समाधि लेने के लिए महंत परमहंस दास आचार्य भी लुलु मॉल पहुंचे हैं। इस दौरान महंत परमहंस दास की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों से झड़प भी हुई है, जहां बवाल बढ़ता देख पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि बीते शनिवार को हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए पहुंचे थे, मगर पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने लुलु मॉल में जबरन घुसने की कोशिश की थी। इस दौरान पुलिस और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक हुई थी। दरअसल पिछले शनिवार को दो युवक लुलु मॉल पहुंचे थे, ऐसे में जिस जगह पर पाठ न पढ़ने का बोर्ड लगा था उसके ठीक नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इस दौरान इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये व्यवसाय का है, इसको मॉल ही रहने दे, इसको राजनीति का अड्डा ना बनाया भाई। हम लोग सामान खरीदने जा सकते हैं? नहीं जा सकते। सामान खरीदने हम भी जा सकते हैं? हमको क्यों रोका गया? मैं तो आज कुछ लेके नहीं आया हूँ, ना कोई भीड़ लेके आया हूँ, मैं अकेले आया हूँ। हमको क्यों रोक दिया गया? कैसे शांत हो गए मामला? अब शांत क्या, ये लोग यहाँ जिहाद कराएंगे? ये लोग जिहाद के लिए बनाए? अब भाई पता नहीं क्यों करा रहे हैं। गिरफ्तारी भी हुई है, चार लोगों की गिरफ्तारी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज।